दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए रेलवे की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, चयन इसमें आपका कैसे किया जाएगा, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं रेलवे वैकेंसी 2021 की पूरी जानकारी। ध्यान दोस्तों, लोकोमोटिव वर्क्स इंडियन रेलवे भारतीय रेल की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पोस्ट इसमें आईटीआई अप्रेंटिस और नॉन आईटीआई अप्रेंटिस की 374 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सीधे आप नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। बात अगर योग्यता की जाए तो नॉन आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास के साथ में आईटीआई भी होना अनिवार्य है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। कल सुबह 9 बजे से PYQS टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 20 जनवरी को होंगे T20 टेस्ट सीरीज जो है SBI क्लर्क प्री 2021 एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और 24 जनवरी को हो रहा है अंकुश लांबा का रीजनिंग टेस्ट। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे इनके साथ बाय अंकुश लांबा और कई एजुकेटर्स के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम अकेडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें हमारा लो कोड Ali2020, एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अकेडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे वैकेंसी 2021 के बारे में। 374 वैकेंसीज है, 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 15 से 22 और 24 वर्ष है। अदर्स कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। SC/ST/PWD या फीमेल कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, मेरिट के आधार पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। BLW.IndianRailways.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 फरवरी 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 17 फरवरी 2021 है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन PDF की आपको टैब दी गई है। यहाँ पर आप जैसे इंग्लिश या फिर हिंदी की नोटिफिकेशन की टैब पर क्लिक करोगे तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अधिसूचना संख्या यहां पर आप चेक कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 15 फरवरी 2021 है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको आईटीआई अप्रेंटिस और नॉन आईटीआई के लिए वैकेंसीज की आपको कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो। फीटर ट्रेड के लिए आईटीआई के अंतर्गत यहां पर अन्य जाति एससी के लिए 16 वैकेंसी है, अन्य जनजाति एसटी के लिए 8 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 29 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 है, सामान्य यूआर के लिए 43 है। तो टोटल 107 यहां पर फीटर ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। कारपेंटर ट्रेड के लिए 3 वैकेंसीज है, पेंटर के लिए देख सकते हो इसके लिए 7 है, मशीनिस्ट के लिए आप देख सकते हो इसके लिए भी 67 है, वेल्डर के लिए 45 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 71 है। टोटल 300 वैकेंसीज आईटीआई के लिए निकली है। 10 प्लस आईटीआई से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉन आईटीआई के लिए भी आप देख सकते हो, फीटर के लिए 30 वैकेंसीज है, कारपेंटर पेंटर के लिए नहीं है, मशीनिस्ट के लिए 15 है, वेल्डर के लिए 11 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है। टोटल 74 वैकेंसीज नॉन आईटीआई के लिए भी निकली है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी की कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए आपको डिटेल्स दी गई है, साथ साथ यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी। नॉन आईटीआई सीटों के लिए यहाँ पर 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल यानी कि 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के लिए आप देख सकते हो 10वीं+ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। आयु से रिलेटेड भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर 15 से 22 वर्ष आईटीआई सीटों के लिए है और नॉन आईटीआई सीटों के लिए है, और आईटीआई सीटों के लिए यहाँ पर 15 से 24 वर्ष है, और साथ साथ यहाँ पर जो वेल्डर ट्रेड और कारपेंटर के अभ्यर्थी उनके लिए 15 से 22 वर्ष है।
आयु की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट है, अन्य पिछड़ा जाति के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है, दिव्यांग के लिए भी UR के लिए 10 है, SC/ST के लिए 15 साल की, OBC के लिए 13 साल की छूट है, EX-Salesman के लिए भी 3 साल की यहाँ पर आपको छूट मिल रही है। जैसे आप इस PDF को स्क्रोल डाउन करोगे तो सिलेक्शन की जानकारी दी गई है, यहाँ पर आपका मेरिट से चयन किया जाएगा, ऑनलाइन करने के लिए सभी डिटेल्स दी गई है कि कैसे कैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पोर्टल दिया गया है जिससे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, BLW.IndianRailways.gov.in या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर और भी आपको लिंक दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर BLW.Apprenticeship.in इस पोर्टल से आप डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ दोस्तों हमारे पोर्टल पर भी अप्लाई ऑनलाइन की यहाँ पर आपको टैब दी गई, इस टैब पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।